में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तक कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना न भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए वाह थैंक्स। ओए ये पानी कहाँ से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच पुत्र, थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो। मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू, करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडरवाटर सूट ऑन। इमली चुलबुल तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। चलो हम भी चलते हैं वीर के साथ। लेकिन वीर तो मना कर गया है। तो तुम मत जाओ, हम तो जाते हैं। नहीं नहीं मैं भी चलती हूँ। वाह मछलियों का जीवन कितना सुंदर होता है, इसी पानी में रहना खाना मजे करना। शांति खत्म हुई, वो देखो कितनी बड़ी मछली, भागो। अरे ये यमदूत भी कहाँ से आ गई? जिंटू कुछ करो। ये कहाँ से आ गई, भागो। एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। हाँ, यहाँ एनर्जी बन रही है और अब जब तुम हमारे काम में टांग अड़ाने आ ही गए हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। Because I'm mad, very very mad। आज तो तुम्हारा भुर्ता बनाकर छोड़ेंगे। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बनाते हो या मैं तुम्हें। बॉस बॉस है। रिमोट ऑन करो बेवकूफ, रिमोट कहाँ है, रिमोट से उसे स्टार्ट करो।
की इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करो, जल्दी दूसरा रेड बटन दबाओ। रेड बटन दबा दिया बॉस। नहीं लड़ सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। पहले रेड बटन दबाता हूँ और उसकी बिजली की पावर खत्म करता हूँ। अब इसे ऑफ करने का ग्रीन बटन, फिर मैं और तुम बचेंगे टिम्बकटू। खेल खत्म हो गया। ओ वीर, मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके इमली, और पता है मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रोबोट बना रहा था। अब फुर्सतगंज में पानी की कमी कभी नहीं होगी। पानी का रहस्य का पर्दाफाश हो गया है। चलो दादाजी को बताते हैं क्या है पानी का रहस्य। आप देखना न भूले आज रात पानी का रहस्य। देवीर,
थैंक यू दादाजी, आपको मेरा बर्थडे याद था। लो भाई, आज का दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन ही तो मेरा सपना साकार हुआ था। कैसा सपना दादाजी? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना। आज के ही दिन मैं तुम्हें बनाने में कामयाब हुआ था। ओ दादाजी, यू आर ग्रेट। यू टू वीर। क्यों ना हम वीर को सरप्राइज पार्टी दे। इमली से जाके बात करता हूँ। आज गिरना ही लिखा है क्या? चुलबुल, तुम जमीन पे लेटे हुए क्या कर रहे हो? अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। चुलबुल, तुम्हें पता है आज वीर का बर्थडे है, क्यों ना हम उसे सरप्राइज पार्टी दें? अरे यही तो मैं तुमसे कहने आ रहा था। और सुनो, ये बात जिंटू को मत बताना। उसे बताया तो वो वीर को बता देगा, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। नहीं इमली, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसकी लॉयल्टी हमसे कम, वीर के साथ ज्यादा है। चलो पार्टी की तैयारी करें। हाय इमली, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाय वीर, हम लोग जरा कुछ काम से जा रहे हैं। बाय वीर। एनिमल टॉकिंग मोड ऑन। अब आप किसी भी जानवर से बात कर सकते हैं। क्या हुआ तुम्हें? वो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? मैं बहुत बीमार हूँ, वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के भाग गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओके, डोंट वरी, रोना मत, मैं देखता हूँ उन्हें। तुम आओ मेरे साथ। रोबो बॉय सूट ऑन। Robo Boy suit on. सिम्बा, थैंक यू रोबो बॉय सिम्बा। ये बेचारा पपी बीमार है, इसलिए इसे कचरे में फेंक के भाग रहे हो। एक पेट फैमिली का मेंबर होता है। अगर आपका बेटा बीमार हो तो क्या आप उसे ऐसे ही कहीं छोड़ देंगे? आई एम वेरी सॉरी रोबो बॉय, तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू। कम। ओ वाओ, इतना सारा खाना। चल चिंटू, शुरू हो जा। चिंटू, क्या कर रहे हो ये? भागो यहाँ से, भागो, चलो जाओ। चिंटू भगाओ इसे। चिंटू जाओ, वरना दुलट्टी मारूंगा। हम तुम्हें बाद में बुलाते हैं। मुझे तो भगा दिया, देखता हूँ दादाजी को कैसे भगाओगे। दादाजी को खाने से कैसे रोकेंगे? इमली बेटा, ये सब बहुत टेस्टी है। थैंक यू बेटा। वेलकम दादाजी। चुलबुल, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, अभी पता चल जाएगा। जिंटू, ये लो, चाट भी है। चाट कहाँ है? कहाँ है? जल्दी दो। सॉरी, खुद को रोक नहीं पाया। चुलबुल, चलो फिर से मार्केट जाना पड़ेगा, केक मिठाई सब खरीदते। इमली, पता है
आज मैंने एक पप्पी को कैसे बचाया? ओके ओके, बाद में सुनती हूँ हाँ, अभी जरा कुछ काम से जा रही हूँ। क्या हुआ वीर, आज तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें सुनने को तैयार नहीं, छोड़ के भाग रहे हैं। हंसो मत, तुम्हें इसे क्या, वो मेरे दोस्त है। ऐसे फालतू दोस्त रखोगे तो ऐसा ही होगा, एक खट्टी मीठी इमली, दूसरा गाधा। ए बंटी, मेरे दोस्तों के बारे में ऐसी बातें की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? मुझे लड़ने पे मजबूर मत करो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। लड़ोगे कैसे, लड़ोगे तो पिटोगे, तुम एक हम तीन हैं, तीन। आ जाओ शौक पूरा कर लो, कम ऑन फाइट, कम। अब मेरे ऊपर दोष मत लगाना। रुको, रुक जाओ। अगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अपनी पार्टी में ले जाने का टाइम आ गया है। बाय। क्या हुआ बच्चों? दादाजी, वीर के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और वीर ने सब चौपट कर दिया। वो उस कमरे में छुपा है, जाओ और पकड़ लो उसे। वीर, डर के छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो लाइट जलाओ। मैंने और चुलबुल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और तुम सब सामान खा गए। ओह नो, मुझे नहीं पता था तुमने पार्टी रखी है। वैसे मैंने कुछ नहीं खाया, ये जिंटू की शरारत होगी। लाइट जलाओ ना फिर, अंधेरा क्यों है? ये क्या वीर? मैं तुम लोगों को सरप्राइज पार्टी देना चाहता था और तुम लोग मुझे। हैप्पी बर्थडे वीर। हैप्पी बर्थडे वीर। बच्चों जल्दी से केक काटो। वाह, आज सब मेरे बिना ही पार्टी कर रहे हैं। जिंटू, सॉरी, वैसे आज क्या है जो सब पार्टी कर रहे हैं? आज वीर का बर्थडे है, लेकिन पार्टी तो तब होगी ना जब तुम्हारे भूखे पेट से कुछ बचेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हैप्पी बर्थडे वीर। वाव, कितना सुंदर केक है। चलो वीर, अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वीर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वीर।
ये मेरी तरफ से सरप्राइज पार्टी है। जिंटू। तो वीर को खत्म कर पाया हूँ और ना ही उसको बनाने का फॉर्मूला ढूंढ पाया। बॉस बॉस, आपको वीर की क्या जरूरत है? आपके पास मेरे जैसा काबिल इंसान है जो सब कुछ कर सकता है। अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय के घर से वीर को बनाने का फॉर्मूला चोरी करके ले आओ। वो फॉर्मूला किसी न किसी हार्ड डिस्क में जरूर होगा। जाओ टिम्बकटू, डॉक्टर प्रेम सहाय के घर से वो हार्ड डिस्क लेकर आओ। लेकिन उनके घर से मैं कैसे चुराऊंगा? ये लेकर जाओ और कहना तुम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हो जो मच्छरों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करेगा। उन्हें कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर डॉक्टर प्रेम सहाय घर के बाहर नहीं गए तो उन पर ये स्प्रे कर देना, इससे वो बेहोश हो जाएंगे और तुम हार्ड डिस्क लेकर आ जाना। बॉस, यू जीनियस बॉस। टिम्बकटू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, सिलेंडर में स्मोक है भी या नहीं? टिम्बकटू, बंद कर दो इसे, बंद कर दो। अरे तुमने तो अभी से गलती शुरू कर दी। यहीं कहीं डॉक्टर प्रेम सहाय का सीक्रेट लैब होना चाहिए। एक्सरे विजन से देखता हूँ। से नीचे जा रहा हूँ और मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया है। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। टिम्बकटू, अभी मैं अपने मॉनिटर पर लाइव देखता हूँ। अलादीन के जिन की तरह गायब हो जाए यहाँ से। अगर मैं सब लोगों को बता दिया कि तुमने मुन्नू के पैसे छीने हैं तो सब लोग तुमको मार के पैसे निकाल ही लेंगे। दादाजी आप ठीक है ना? क्या हुआ था? हाँ वीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, लैब का दरवाजा तो खुला है। दादाजी
मुझी हार्ड डिस्क तो चोरी हो गई है। वीर, हार्ड डिस्क में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हमें उसकी लोकेशन की जानकारी मिल सकती है। जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाओ। देखो, ट्रेन की इस कोच में हमारी हार्ड डिस्क है। हमें जल्दी से उस डायरेक्शन में ट्रेन का पीछा करना चाहिए। पाएगा और हम उसकी हार्ड ड्राइव लेकर बहुत दूर निकल जाएंगे। बॉस बॉस, वीर अपनी स्पेसशिप से हमारा पीछा कर रहा है। टिम्बक्तु, अपने रोबोट से वीर की स्पेसशिप पर अटैक करो। रोबो बॉय सूट ऑन। Ha ha ha!
हमारा दोस्त वापस आ गया।